अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं तीन पॉइंट में डिवाइड किया हूँ। मेरा पहला पॉइंट है कतर फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी और कितने स्टेडियम्स हैं और कितने इसमें एक्सपेंसेस आए, इन सब पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। मेरा दूसरा पॉइंट है अरब और इस्लामिक कल्चर की मुकम्मल रियायत। तीसरा पॉइंट है कतर पर होने वाले एतराज़ात का जवाब और कतर पर जो एतराज़ात हो रहे हैं उसकी क्या हकीकत है और क्यों हो रही है। ये मेरा तीन मेजर पॉइंट है। इन तीन पॉइंट पर मैं आपसे आज बात करूंगा। मेरा जो पहला पॉइंट है कतर में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसकी क्या तैयारी है। याद रखें एशिया का ये दूसरा फीफा वर्ल्ड कप है। उससे पहले जापान और कोरिया ने मिलकर के मेजबानी की थी, लेकिन इस मर्तबा जो अरब कंट्री में पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसकी मेजबानी कतर के हिस्से में आई है। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो तैयारी है उसमें बताते हैं कि 230 बिलियन डॉलर का खर्च आया है, सर्फ आया है। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप मुनाकिद हुआ था मुख्तलिफ ममालिक में, उनको एक तरफ रख दिया जाए और कतर के एक तरफ रख दिया जाए, तो कतर इन तमाम ममालिक में होने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और कतर में जो पूरी दुनिया से शायकीन आ रहे हैं उनके लिए जो तैयारियां की गई है, उनके लिए रहने का इंतज़ाम है और उनको उनके होटल से या उनके अकोमोडेशन से स्टेडियम तक पहुंचने के लिए रैपिडो ट्रांजिट सिस्टम का मेट्रो चलाया गया है और अकोमोडेशन के लिए लग्जरी अपार्टमेंट विलास, क्रूज शिप होटल्स, फैन विलेज, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कतर में आने वाले शायकीन उससे इंजॉय करेंगे। और याद रखें कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और कतर का जो एक नॉर्मल इंसान का जो एवरेज है कमाई का वो बताते हैं कि 1,28,000 डॉलर है, जबकि यूरोप और अमेरिकन ममालिक के यहाँ के जो एवरेज लोगों की जो इनकम होती है वो मतलब उससे हाफ ही होती है। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें 8 स्टेडियम्स बनाए गए हैं और जो स्टेडियम्स बनाए गए हैं बहुत सारे स्टेडियम में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका ख्याल रखा गया है, उसका शेप दिया गया है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है अरब और इस्लामिक कल्चर की रियायत, क्योंकि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने जा रहा है जो एक अरबिक और इस्लामिक मुल्क है, तो इनका भी एक लॉ एंड ऑर्डर है, उनका एक सिस्टम है और उनका एक कल्चर है, तो इस कल्चर और उनका एक लॉ ऑर्डर है उसकी रियायत करना शायकीन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर जो पहला है पॉइंट है अल्कोहल कि मैच के दौरान कोई अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि शायकीन जितने भी शायकीन होंगे वो औरतों में घुटनों से ऊपर कपड़ा ना पहने, ये कोशिश करें वो सारे शायकीन की वो बिल्कुल अपने बॉडी को कवर करके रखें। तीसरा जो है पब्लिक प्लेस में हगिंग करना या फिर बोसा वगैरह लेना बिल्कुल ममनू है। चौथा जो है क्रॉस ड्रेस का भी कल्चर अरब में मायूब समझा जाता है, वहाँ पे ममनू है, तो इससे भी एहतियात करना पड़ेगा। पांचवा जो है हम जिंस परस्ती, उनसे भी ऐसे भी लोग जो बिल्कुल गे टाइप के हों या लेस्बियन वगैरह हों ऐसे लोगों पर भी कतर में ममनू है सब चीज़ें। तो ये अपना कतर का एक लॉ एंड ऑर्डर है, उन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो इन पर एतराज़ लगा रहे हैं कतर पे ये क्यों लगा रहे हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी की बात है, ये बिल्कुल अहमकानापन है। क्योंकि हर मुल्क का अपना एक कोई अगर एक यूरोप चला जाए और फिर वहाँ पे वो इस्लामी तालीमात की बात करें तो बिल्कुल ये सही नहीं होगी। उसी तरह जब आप एक इस्लामी मुल्क आ रहे हैं तो आपको वहाँ का जो रहन सहन वहाँ का जो कल्चर है
वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये इंसानियत है, मुझे लोग उस पर एतराज कर रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आप कहने की बात नहीं है। ये बिल्कुल जो जिस मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो भी मुल्क में आप जाएंगे, तो वहाँ के मुल्क के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, वहाँ के कानून के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दूसरे मुल्क में जाकर के अपने हिसाब से रहना चाहें, ये बिल्कुल एक अहमकाना बात है। इसका जो मेरा पॉइंट है वो एक कतर पर एतराज़ात, कतर पर बहुत सारे लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि कतर ने पानी की तरह पैसा बहा दिया या फिर ह्यूमन राइट्स की उन्होंने वायलेशन की, और बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं जो बिल्कुल मुनाफिकत वाली बात कर रहे हैं और वह नहीं चाहते हैं कि कोई एशिया में कोई फीफा वर्ल्ड कप हो, और ये हमेशा मुनाफिकत करते हैं अपने लिए तो हर कुछ उनके लिए सही, लेकिन जब कोई दूसरा करना चाहे तो फिर वो अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर वो अपनी आज़ाद ख्याली की बात करते हैं। और जो फीफा वर्ल्ड कप के जो प्रेसिडेंट है इन्फेंटिनो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर कोई 2-3 घंटा अगर कोई शराब नहीं पीता है तो उस पर कौन सी उसकी जान चली जाएगी, क्या उन पर आफत आ जाएगी, क्या आप एतराज़ कर रहे हैं कि कतर ने अल्कोहल पर पाबंदी लगा दिया है, अगर आपको बिना तो कोई पार्टिकुलर जगह पर जाकर के पी लें। उसके अलावा बहुत सारे जो फ्रांस वगैरह बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ पर मैच के दौरान जो अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन पता नहीं ये अरब एक इस्लामिक कतर एक इस्लामिक मुल्क है तो इस बुनियाद पर लोग बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरे ममालिक में भी इस तरह की चीज़ें होती है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वेस्टर्न जो ममालिक हमेशा मुनाफिकत की बात करते हैं और ये अपोलोजाइज करना चाहिए लोगों से, ये तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो सेकुलर होने की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेकुलर पर नहीं है, मुनाफिकत वाले हमेशा बात करते हैं। जब वो कुछ करेंगे तो कोई मसला नहीं, जब दूसरे लोग करेंगे तो उसको एतराज़ होता है। तो ये उनका एक अच्छा कमेंट है और उन लोगों के लिए जो कतर पर एतराज़ कर रहे हैं। और ये जो बात हुई थी लेस्बियन और गे वगैरह की, तो ये तो ममनू है कतर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतर में भी आए हुए हैं जो मैच का हिस्सा हैं, तो उनको थोड़ी सी उसमें एक पॉलिसी में थोड़ी सी नरमीपन लाया गया है। तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है, एक इस्लामी दुनिया, एक अरब दुनिया इस 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी कर रहा है, और ख़ासतौर से कतर है ने इसकी मेज़बानी कर रहा है, जो अपने अमल के ज़रिए से बहुत सारे इस्लामिक जो कानून, इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक जो कल्चर है उसको मतलब हाईलाइट करने की कोशिश किया है, ताकि वो दुनिया उसको समझे और दुनिया तक ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप कामयाब हो, सक्सेस हो। ये तक 29 दिन का ये मैच होने जा रहा है, 29 ये दिन तक होगा ये मैच, तो अल्लाह उसको कामयाब करे।